नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन और मैं हूं राजेश तिवारी। महान गणितज्ञ डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह के निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर भोजपुर जिला के बसंतपुर गांव लाया गया, जहां पर बिहार सरकार के कई मंत्री के अलावा पूर्व मंत्री, विधायक और गणमान्य लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित किए। इसको लेकर जहां ग्रामीणों के द्वारा भारत रत्न अमर रहे के नारे भी लगाए गए। अरे थोड़ा नीचे करो बाबू, नीचे करो। नहीं समझ में आ रहा है आपको, ठीक है राजीव बैठे दोनों। बोले बोले भारत माता की, भारत रत्न अमर है, भारत रत्न अमर है, भारत रत्न अमर है, भारत लाल अमर है, भारत लाल अमर है, भारत लाल अमर है, लाल अमर है, गिरक लाल अमर है। स्वर्गीय डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह का पार्थिव शरीर को लेकर मोहली घाट दाह संस्कार के लिए ले जाया गया है, जहां पर हजारों लोगों ने इस शव को कंधा देने के लिए अपने आप को भाग्यशाली और गौरव समझा। इस शव में हजारों की संख्या में लोगों ने मोहली घाट पहुंचा, जहां पर दाह संस्कार किया गया। बिहार के लाल
हटा पीछा हटा पीछा हटा पीछा हटा पीछा हटा ना बना लेंगे महान गणितज्ञ हमेशा के लिए सो गए, सदा सदा के लिए सो गए और हम सभी को छोड़ गए। दाह संस्कार से पूर्व जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी भी डॉक्टर वशिष्ठ को दिया गया। अरे माइक लगाइए, लगा हुआ है। अब और नहीं देखे तो हाँ कोई की छोड़ी लो।
आराम से आराम से बने सब उठाएं भारत रत्न अमर है अरे यार रुक जा भाई तुमसे पीछे कर ला हुआ अकेले है बाबा अगरबत्ती प्रेत मोक्ष काशी बासकरी मथुरा बासकरी सप्तरत्न बासकरी गंगा महारानी भैया
कल आस्टिन के सिद्धांत सापेक्ष के सिद्धांत को चुनौती देने वाले और इस देश का महान गणितज्ञ जो शाहबाद जिला में जन्म लिए थे विशिष्ट रोल करी है। कल पीएमसीएच में उद्घाटन हुए, उसके उपरांत बुलहरिया भवन में उनकी सौ गया और माननीय मुख्यमंत्री मैं शैलेंद्र प्रताप सिंह भुवनेश्वर सिंह छोटू सिंह हम लोग सभी लोग गए थे और माननीय मुख्यमंत्री ने वहाँ राजकीय सम्मान के तहत उनकी अंत्येष्टि करने का उन्होंने घोषणा किया और कल ही हम लोग यहाँ पर आए हुए थे परिवारजनों को कहने पर कि ये कल होगा, आज उनकी अंत्येष्टि हो रही है। पूरी इलाका बिहार देश आज उनके इस महान गणितज्ञ के खोने का गम में आज डूबा हुआ है, हम सभी उस गम में हैं। आज हम सब भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मौत के पूर्व और मौत के बाद की जो कहानी रही है उस पर आप क्या कहेंगे आइंस्टीन को जो उन्होंने जवाब दिया और आज एक गर्व होती है मैं ऐसे गणितज्ञ पर पूर्व के उनके इतिहास आप मैं जाने हैं आप सभी लोग जानते हैं। आज वशिष्ठ बाबू यदि ठीक रहते तो दुनिया को चुनौती दे सकते थे। कई कठिनाइयों से उन्होंने गुजरा है लेकिन उनकी जो विजन रहा है थॉट रहा है वो प्रासंगिक रहेगी पूरा आने वाले कई पीढ़ियों तक युवा उनसे प्रेरणा लेंगे और कई चीजें प्रतिष्ठित इनके नाम पर किया जाएगा। कल मुख्यमंत्री ने इस बात को जो संकेत दिया कि कई प्रतिष्ठित संस्थान इनके नाम पर इनकी चीजें करने की प्लानिंग हो रही है किया जा दृष्टि है हम कुछ विषय लेकर के माननीय मुख्यमंत्री के पास हम लोग जाएंगे और कई चीजें इनके नाम उनके मरने के पहले ये प्लानिंग क्यों नहीं की गई। देखिए इस भारत की परंपरा को जानिए कई ऐसे विशेष व्यक्ति रहे हैं वो व्यक्ति जब रहता है कर्म भूमि पर तो कर्म करते रहता है लेकिन आप सभी को देखे होंगे कई पुरानी हमारे इतिहास है उनके जाने के बाद भी चूंकि जब तक हैं वो तो नाम है मरणोपरांत मरने के बाद भी उनकी नाम अमर रहे इसी थॉट पर मुझे लगता है कि ये सब चीजें बनी हुई है कि उनकी प्रतिष्ठा प्राप्त रहे ताकि वो जीवंत महसूस हम लोग को हो सके। क्या कहेंगे इस संदर्भ में? देखिए सबसे पहले हम लोग बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं कि इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो राजकीय सम्मान समारोह में उनको मालूम चला और उन्होंने जितना जल्दी मरने से पहले भी पीएमसीएच में मुख्यमंत्री जी ने सारा व्यवस्था कराए थे, कल भी उन्होंने अपना सारा कार्यक्रम को रद्द करके उन्होंने पहुंचे और पहुंचने के बाद इनके परिवार के लोग जो जो डिमांड किए तुरंत मुख्यमंत्री जी बहुत सरकार बना होगा लेकिन आप भी जानते होंगे फाइल में दौड़ता है चलता है होता है नहीं होता लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जितना सम्मान दिया आज भोजपुर में नहीं पूरे देश में नेतरहाट से लेकर हर जगह के स्टूडेंट से लेकर हर लोग दुख है और मुख्यमंत्री जी को बधाई दे रहा है कि आपने बहुत बड़ा सम्मान दिया कि वो राजकीय सम्मान के साथ और माननीय मंत्री जी कल से कैंप किए हुए हैं मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे शैलेंद्र प्रताप सिंह जी हम लोग सब लोग यहाँ हैं और दुख की बात है कि हम लोग परिवार से भी उनके हैं। कई सियासी राजनीति की बातें आई थी जिस तरीके से आपस में टकराव हो गया टकराव जो है दलों के बीच में देखिए ये सब आप भी जानते हैं बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका काम कुछ नहीं है वो चाहते हैं हल्ला गुल्ला करना आप भी मालूम है वो लोग कौन थे जिसके नाम से दहशत थी वही लोग थे जिसका नाम से दरवाजा दुकान का शटर बंद हो जाता था वही लोग थे जो जंगल राज के लोग थे आपको भी मालूम है उन लोग को तो आना भी नहीं चाहिए था और वो आए और क्या किए अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं कल दिखाई नहीं दे रहे हैं एक ऐसे जगह पे आए जहाँ की परिवार के साथ हर लोग को पैर छूना पड़ा कि भाई आप ये सब काम यहाँ मत कीजिए ये सौ पे आप जो तमाशा कर रहे हैं ये काम करने का जगह नहीं है लेकिन हम लोग इस सब कुछ ध्यान भी नहीं देना चाहते हम लोग तो भाई देख ही रहे हैं कल से हम लोग अभी तक मैंने हम लोग
दुख का समय है, कोई राजनीति का समय है नहीं। जनता भी जानती है कि हमारा नेता भूलता नहीं है, काम करता है, सब लोग देख रहा है, पूरा भोजपुर नहीं पूरा देश का निगाह है, सारा चैनल देख लीजिए, हर लोग, आप लोग भी जितना, ये बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री ने जितना जल्दी एक्शन लिया बहुत बड़ा बात है।